मैं प्रकाश, आपका YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन 2.0 में स्वागत करता हूँ। आइए आज क्लास 7 CBSE मैथ RS अग्रवाल पार्ट नंबर 2 डेसिमल का पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे, देखिएगा किस किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है टाइप का। एक टाइप नंबर सेकंड है टाइप टू में लिखा हुआ रहेगा राइट द नंबर नेम, या इसी को लिखा जाता है बर्ड्स नेम, यानी कि बर्ड में राइट करना है। जैसे लिखा हुआ रहेगा 43 समथिंग कुछ लिखा हुआ रहेगा, इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे इसको 43 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि पॉइंट के बाद 1-1 डिजिट को रीड करना है, हमेशा रीड करना है 43.633। ये रीड करना राइट होगा, ये नहीं रीड करना है कि 43.633 दिस इज रॉन्ग, इसको सही राइट रीड करना है 43.633। आइए एग्जांपल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड ले लेते हैं 303.64। इसको अगर नंबर में लिखना है तो लिखेंगे 603.64। हमेशा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि पॉइंट के बाद 1-1 डिजिट को रीड करना है, 1-1 डिजिट को रीड करना है। आइए टाइप नंबर 3 में आते हैं। टाइप थ्री क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है आपका कि फाइंड दी पैलेस वैल्यू इन दी गिवेन फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए क्वेश्चन का पैलेस वैल्यू निकालिए। राइट किया हुआ रहेगा, एग्जांपल पर आइए, लिखा हुआ रहेगा 46.63। इसमें अगर सभी डिजिट का और डिजिट का अगर पैलेस वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाउल नंबर। ये क्या है मेरा, ये है मेरा हाउल नंबर। ये सारे है मेरा डेसिमल नंबर। तो आइए 46.63 में पहले हाउल नंबर का निकालिए पैलेस वैल्यू, तो निकालिए तो इसको राइट साइड से रीड करेंगे तो ये हो जाएगा ओवंस का मतलब हुआ 6 और प्लस 40 प्लस 6 प्लस। अब देखिएगा जब इसको हम लोग जो डेसिमल नंबर को अगर रीड करेंगे तो पॉइंट के बदले में पढ़ेंगे ओवंस, तो हो गया ओवंस टेंथ हंड्रेड, तो हो जाएगा ओवंस टेंथ हंड्रेड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 और गुना 6 और प्लस 1/100, इसको हम लोग लिखेंगे 1/3/100। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 40 + 6 + 6/100 + 3/10 और 3/100 इसको निकालना है तो हो जाएगा 40 + 6। अब देखिएगा जब 10 या 10 के पावर से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 10 में एक जीरो है तो दाएं तरफ से एक अंक के बाद जब डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड तरफ से एक अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा,
इसको लिखेंगे 0.6। यहाँ पर देखिए डबल जीरो है तो राइट हैंड तरफ से डबल अंक के बाद जो है पॉइंट डालेंगे तो हो जाएगा 0.03। गेट विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिएगा जब कभी पाइलेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कि दिए हुए नंबर में 6 का पाइलेस वैल्यू निकालिए या इसका किसी भी अंडरलाइन डिजिट का निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ पर हम सभी डिजिट का निकाल दिए हैं और डिजिट का पाइलेस वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी तरीका से आप लोग का बुक में जितने भी क्वेश्चन है इस पैटर्न पर इस टाइप का, बाकी हम टाइप वाइज और आपका जितने भी क्वेश्चन है पार्ट बाई पार्ट करके मैं वीडियो लाऊंगा। बट इस वीडियो में आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, मैं आगे वीडियो पार्ट बाई पार्ट करके लाता हूँ। धन्यवाद।